अस्सलाम वालेकुम टेक पार्क यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज हम एक और नए पार्सल के अनबॉक्सिंग के साथ हाज़िर हुए हैं जो कि हमने मंगवाया है ऑल द वे फ्रॉम अली एक्सप्रेस। और ये है क्या जनाब, ये आपके डेली इस्तेमाल की एक चीज़ है और ये हमने मंगवाया है बार्सिलोना स्पेन में। ये देखें बार्सिलोना स्पेन, और ये जो ऑफिस पे ज़्यादातर लोग जाते हैं ये उनके लिए बड़ी काम की चीज़ है और उनके डेली इस्तेमाल की चीज़ है। जिस तरह आप लंच वगैरह जो ऑफिस में लेकर जाते हैं या स्कूल्स में लेकर जाते हैं तो ये उससे रिलेटेड है कि जो अगर आप खासतौर पर काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में या पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो ये उनके लिए बड़ी ही काम की चीज़ है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट का जो किस तरह है। प्रोडक्ट जो मैंने नेट पर देखा था उसका तो काफ़ी डिज़ाइन बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन था। अब देखते हैं कि वो चलक तो बिल्कुल सेम वही रहा यार, मतलब हम जितना भी बुरा भला कहें अलीएक्सप्रेस को, लेकिन सामान अच्छा ही आता है, जो दिखाते हैं कम अज़ कम वही आता है। ये जनाब क्या है, ये लिखा हुआ है सिंगल डबल लेयर लंच बॉक्स पोर्टेबल कंपार्टमेंट फ्रूट फूड बॉक्स माइक्रोवेव लंच बॉक्स विथ फॉक एंड स्पून पिकनिक फ्रेश। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ऑफ टायर्स बारल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये डबल जो है ना वो इसकी कंपार्टमेंट है और इसमें मेरे ख्याल में ये देखें शायद उन्होंने पहले से ही कुछ चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा खासा हैवी जो है ना वो इसमें आप देख सकते हैं मटेरियल है, मटेरियल भी हैवी है और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि मतलब काफ़ी थिक है, मतलब मोटा है और डबल लेयर है। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ और हम इसको मज़ीद ओपन करते हैं, देखते हैं कि अंदर से क्या सिचुएशन है इसकी और कितने कंपार्टमेंट हैं और कितने इसमें चीज़ें आ सकती हैं एक वक्त में। भाई मुझे तो दिल को भाग गया है। ये देखें 1200 ml का है, लंच बॉक्स है, डिलीशियस लंच है और वंडरफुल लाइफ है और इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया आगे पीछे। ये जो आपको आवाज़ आ रही है ये इसमें जो चम्मच वगैरह दिए गए हैं ये उनकी आवाज़ है। इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से ओपन कर दिया है, यहाँ से भी ओपन कर दिया है, यहाँ से भी ओपन कर दिया है और यहाँ से भी ओपन कर दिया है, चार जगहों से ही ओपन होता है जनाब। ये आई थिंक पता नहीं क्या है, इसको देखना पड़ेगा हमें। तो ये जनाब इसको मैंने फाइनली ओपन कर दिया, आप देख सकते हैं इसमें क्या है जनाब, इसमें एक अदद फॉर्क है, कांटा जिसको हम कहते हैं, और एक अदद स्पून है इसमें। क्वालिटी मतलब ना बहुत ज़्यादा हैवी है ना बहुत ज़्यादा हल्की है, लेकिन सही है क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है, गुजारा हो सकता है। अच्छा इसमें भी आप थोड़ी सी चीज़ें रख सकते हैं, इसमें भी थोड़ी सी चीज़ें रख सकते हैं। ये दो कंपार्टमेंट हो गए, ये आपका इसका कंपार्टमेंट हो गया, आप अपने भी रख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा इसके बाद क्या है जनाब, नीचे भी तो आप देखें तो एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट और तीन कंपार्टमेंट, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें आप जो आपका खाना वगैरह होगा वो रख सकते हैं, या इसमें दो किस्म के खाने रख सकते हैं और इसमें जो आप रोटी रख सकते हैं या चावल रख सकते हैं और इसमें आप केचप रख सकते हैं, चटनी रख सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं यहाँ पर इसमें आप स्नैक्स रख सकते हैं। तो इस तरह ये आप इसको रख सकते हैं, मतलब जो मेन है वो यही है, एक दो और तीन, और जो दूसरे हैं वो ये दो हैं आपके। तो ये जनाब है आपका, आप कह सकते हैं कि कंपार्टमेंट है इसका और हाँ ये यहाँ पर आगे फिक्स हो जाता है। काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी मुझे ये डर लग रहा है कि अगर हम इसमें खाना रखेंगे तो यहाँ से निकल ना आए, मतलब ये देखें यहाँ से जगह है ना, अगर कोई ऑयल चीज़ होगी तो वो यहाँ से निकल आएगा अगर ये उल्टा उल्टा हो गया तो, अगर उल्टा नहीं हुआ तो फिर तो कोई मसला नहीं है। तो ये जनाब यहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छी चीज़ है, एक्सेप्टेबल चीज़ है और जहाँ तक इसकी कीमत है तो मेरे ख्याल में ये आपको 3 से 6 यूरो के दरमियान में इजीली मिल जाएगा।
मतलब कि 700-800 या 1000-1200 तक आपको इजीली मिल जाएगा। ये यहाँ यूरोज़ को कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। अगर नॉर्मली आप वैसे ही पैसों में देखें तो फिर तो ज़्यादा ही लगेगा आपको, लेकिन यूरोज़ में है इतना 2.5-3 यूरो से लेकर ये आपको 5-6 यूरो तक ईज़िली मिल जाएगा है। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।